2024 में। एडमिशन होने के टाइम जो परेशानियां स्टूडेंट्स को होती है उसे कम करने के लिए एनएम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मिसेस एनसी जोस और स्टूडेंट्स ने शुरू किया है मे आई हेल्प यू कैंपेन। इस कैंपेन से एनके कॉलेज में स्टूडेंट्स को एडमिशन के टाइम होने वाली परेशानियों से मिली थोड़ी राहत। कि आप सभी जानते हैं 12th और 12th स्टैंडर्ड्स के रिजल्ट्स बाहर आ गए हैं और सारी कॉलेजेस में बच्चे और पेरेंट्स की भीड़ जमा हो गई है एडमिशन फॉर्म भरने के लिए। हम आप पहुंचे हैं मलाड के नगीनदास खांडवाला कॉलेज में। आइए हम चलते हैं और देखते हैं वहां की प्रोसेस। मैं अपने कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना कैमरा यहाँ पे पैन करे और दिखाए कि यहाँ पे बच्चों की फॉर्म भरने के लिए भीड़ जमा हो गई है। बच्चे यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे एक नगीनदास खांडवाला के बीएमएम डिपार्टमेंट के बच्चों की एक नई सोच है जो है मे आई हेल्प यू कैंपेन्स। और आइए हम बात करते हैं वॉलंटियर्स से। जी आपका नाम? मेरा नाम उर्वशी संघवी है। उर्वशी जी, आप ये कैंपेन में कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। मेरा लास्ट ईयर है कॉलेज में और मेरा लास्ट ईयर इधर मैं आई थी, मैं काम कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे आए हुए बच्चों की और पेरेंट्स की आप किस तरह से मदद कर रहे हैं? हम लोग उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स लाने होते हैं कि जो भी है, जो अटेस्टेशन कैसे करना होता है, किधर से होता है, वो सब में हेल्प करते हैं। कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड है और कभी लिस्ट लगने वाला है, कभी एडमिशन होगा, कितनी फीस है डॉक्यूमेंट्स की, उस सब में हम लोग हेल्प करते हैं उनकी, सब लोग की। एडमिशन करना किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। आम तौर पर उन्हें चिंता होती है कि एडमिशन कैसे होगा, कहां से सारी जानकारी मिलेगी और फॉर्म कैसे भरा जाए। इस चुनौती को एनके कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मे आई हेल्प यू कैंपेन के जरिए सभी स्टूडेंट्स को बड़ी आसानी से उनकी सभी क्वेरीज का समाधान दिया और एडमिशन की प्रक्रिया को आसान बनाया। इस प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु 25 से 40 स्टूडेंट वॉलंटियर्स का योगदान रहा और सभी ने मे आई हेल्प यू कैंपेन की सराहना की। संजीव समजी राठौर, किसके एडमिशन कराने के लिए? मेरे बच्चे के लिए 12th में, वो हिरल बीएमएस के लिए। सही है, मैनेजमेंट अच्छा है, स्टूडेंट ने अच्छा काम कर रहे हैं। और कोई कॉलेज में गए थे हम लोग तो वहाँ बहुत पूछना पड़ा था यहाँ कि यहाँ जाना है, बट यहाँ आने के बाद तो डायरेक्टली लोग हेल्प कर रहे हैं। जो यहाँ स्टूडेंट्स है, जो वॉलंटियर्स बने हुए हैं, अच्छा खासा हेल्प कर रहे हैं एंड थोड़ा फास्ट होना चाहिए, बाकी इज रियली गुड, वी एंजॉय। मेरा नाम प्राची शाह है, मैं यहाँ पे बीएमएस के एडमिशन के लिए आई हूँ और मुझे 74% मिले हैं। और यहाँ के हम लोग को यहाँ पे बहुत हेल्पफुल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के वॉलेंटियर्स हमें बहुत हेल्प करते हैं और वो हमें गाइड करते हैं कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कौन सा नहीं। इसके लिए हमें बहुत अच्छा पड़ता है कि हमारा काम जल्दी आसानी से हो सके। 2011 में ये शुरुआत हुई थी, हमारे एक स्टूडेंट था जीत मशरू, उसका ये सोच से ये हम चालू कर रहे हैं अभी ये कैंपेन। एक्चुअली ये साल 2 बच्चे कर रहे हैं, ये लीडरशिप दे रहे हैं ये कैंपेन के लिए, जो हेल्प हम पेरेंट्स के लिए मदद दे रहे हैं। 2 बच्चे हैं, एक उर्वशी है, वो TYBMM एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट है, दूसरी लड़की है करिश्मा। उनको हम बहुत ट्रेनिंग देते हैं कैसे पेरेंट्स से बात करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनसे लेना है हमें, तो ये सब ट्रेनिंग मई में नहीं तो अप्रैल में ही शुरुआत होती है और ये हम जून से शुरू करते हैं। 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते ही हम तीसरे दिन ये काम शुरू करते हैं। ये जो मे आई हेल्प यू कैंपेन आप चला रहे हो उससे बाकी बच्चों को तो बहुत हेल्प मिल रही है, आपको क्या ये कैंपेन से सीखने को मिल रहा है? ये कैंपेन बहुत ही प्रोफेशनल लाइफ को सपोर्ट करती है। यहाँ पे हम हज़ारों की तादाद में लोगों को मिलते हैं, लोगों की क्वेरी सॉल्व करते हैं, जो प्रश्न रहते हैं उनको, कई लोग सब कंफ्यूज रहते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, कितना कट ऑफ होगा, ये सब जवाब देते हम सीखते हैं कि कैसे इन पब्लिक से बात करनी है, इन लोग के प्रॉब्लम्स दूर करते हैं। इस तरह हम इन सब की सहायता करते हैं और उसकी बदले में हमें बहुत अच्छे क्रेडिट्स मिलते हैं।